देखें, इसमें ये मामला जो है 47 से चल रहा है, लेकिन इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है, और ये सिर्फ 47 से नहीं है। हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट को हमने देखना है। मुगलों ने पूरी कोशिश की, जैसा कि आपको बताया गया पहले भी, और लेकिन जो ब्रिटिश राज ने सिलेबस चेंज किया है, उससे हमें यही पता चलता है कि गोया जैसे हम शुरू से लड़ते आ रहे हैं अंग्रेजों के साथ। लेकिन बड़ा दिलचस्प पॉइंट है, 1857 की जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, वो उसमें हिंदुओं ने मुसलमानों का साथ दिया था और बहादुर शाह जफर को अपना शहनशाह माना था। उस वक्त सिखों का रोल जो है, अगर पंजाब के रेजिमेंट जो है उस वक्त सिखों का अंग्रेज़ों का साथ ना देती ब्रिटिश आर्मी का, तो उसी वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का सफाया हो गया था और ब्रिटिश राज जो आगे 90 साल तक जा रहा वो ख़त्म हो गया था। तो इसमें ये चीज़ देखनी है, तो एक पूरी टसल जारी है। इसको डिवाइड एंड रूल आया, फोर्ट विलियम कॉलेज पहले बढ़ चुका था, लॉर्ड मैकॉले की पूरी पॉलिसी है, उसने काले लेस तैयार किए, सिलेबस चेंज हुआ, सोच बदली, परसेप्शन चेंज हुआ, और उसमें पूरा का पूरा एक ऐसा माइंडसेट बनाया गया, उसमें ये बताया गया कि जो मुसलमान हैं उनका कोई जो पास्ट है वो इतना ग्लोरियस नहीं है, वो अय्याश थे, सोए रहते थे। अगर भी गौर करें तो इतनी बड़ी एम्पायर जो आज के 6-7 मुल्कों पर कायम थी और मेजॉरिटी पे रूल कर रही थी, मेजॉरिटी थे हिंदू और मुस्लिम मिनॉरिटी भी थी, वो इतनी अय्याश लोग थे तो फिर हुकूमत कौन कर रहा है? क्या आसमान से फिर से उतरते थे? ये बात रैशनल नहीं है, ये बात अकल में नहीं आती। इसका मतलब ये कि ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बनाया गया वो अकबर के दौर में, से अकबर भी क्रिएट करते हैं स्टार्ट हुआ, एक ऐसी हारमोनी पैदा हुई, एक ऐसा कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ है मुगलों ने जो हमें 1857 तक उसके गाने में बुलाते हैं। अंग्रेज़ों ने यही चीज़ एज्यूम कर ली थी कि अब इनको आपस में डिवाइड करना है और रूल करना है। ये वो डिवाइड एंड रूल की तारीखी एक पॉलिसी है जो आज भी दुनिया में एग्जिस्ट करती है, डिवाइड एंड रूल। यही चीज़ चलते आ रही है 1857 से 1947 तक। इसमें मीडिया का रोल था, 1857 मीडिया का रोल था, और कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है 47 में जब पाकिस्तान इंडिया को अलग किया गया और वो अलग मुल्क आज़ाद बने, और इसमें माउंटबेटन का रोल है, उसकी बीवी का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है। जियो डॉट बीवी पर मेरा इसके रिपोर्ट मौजूद है और लिखा हुआ मेरी रिपोर्ट मौजूद है, पढ़ रेफर किया था आपको कि उन उस खातून की और जवाहरलाल नेहरू का जो उनका अपना उनकी किरदार कमजोरियाँ हैं, वो इसमें बड़े कॉन्फ्लिक्ट का उसमें एक रीज़न ये भी है पेशवामा बनी, और वो आज भी ये पूरा खत्ता जो है उसके असरात जो है वो भुगत रहा है। कश्मीर का मसला उस वक्त पैदा हुआ, एक नैरेटिव ये है, एक बयानिया ये है कि हैदराबाद दक्कन को लिए नेहरू ने ये सिलसिला किया था कि हमने ये कहना था कि हैदराबाद दक्कन जो है वो जो जहाँ नवाब उस्मान अली खान आखिरी जो सातवें और आखिरी नवाब थे, दुनिया के रिचेस्ट पर्सन थे और वेल्थ उनकी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी उस ज़माने में, तो वो पाकिस्तान चाहता था कि हमारे पास आए, हिंदुस्तान चाहता था हमारे पास आए। तो कहा यह जाता है कि कश्मीर का मसला इसलिए पैदा किया गया कि ताकि हम उसे बारगेन कर सकें, लेकिन अनफॉर्चुनेट ऐसा कुछ भी ना हुआ, कश्मीर भी हमारे हाथ से गया, और जो है हैदराबाद दक्कन भी जिस दिन कायदे आज़म की रहलत हुई है, फौत हुए हैं, वो भी हमारे हाथ से चला गया। तो ये असल जो है पॉइंट है, ये नुक्ता है, आगाज़ है उस खौफनाक डिज़ास्टर का जो आज अपने पीक पे पहुंच गई है, एटमी जंग खत्म। लेकिन इसमें जो मसला कश्मीर का हल है, हमारे पास 1962 में जून लाई जब चाइना से उन्होंने हमें वाजे तौर पर कहा था कि मैंने कश्मीर को प्लेट में रख के पाकिस्तान को भेज, एक तो वो बेहतरीन टाइप था मसला कश्मीर के हल का, दूसरा मसला कश्मीर के हल का 62 के बाद जो बेहतरीन कोई मरहला आया था वो 1999 में, तो वाजपेयी दोस्ती बस में या वाघा के थ्रू पहले पाकिस्तान पहुँचे थे, वो बेहतरीन मौका था जिसको हम इस्तेमाल करके दोनों मुल्क मसला कश्मीर हल कर सकते। अब बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं इस मसले के हल में, और जैसा कि अभी ये मोदी ने किया है, और मोदी के मैंने पहले भी कई दफ़ा अपने लेक्चर्स में जिक्र किया है, कॉलम में जिक्र किया है, तो मोदी ने 4-5 स्टैंड लिए हैं और उस पर वो कार्बन रहा और उसको करके दिखा। हैदराबाद में उसका देखिए रवैया क्या था, उसमें अभी वो उसको क्लियर करवाया गया दोबारा। बाबरी मस्जिद में उसका स्टैंड क्या था, बाबरी मस्जिद में भी हमें देखने उठाना पड़ेगा। उस
उसके बाद उसने इसलिए था कि हिंदुस्तान हिंदुओं को कहता कि सेकुलर जो उसका नेहरू की तरफ से एक नैरेटिव था, ये कोई इतना आइडियल नहीं है और हम हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए देखें वो नेशनलिटी का मसला बना है इसमें शरीयत का, जो पूरी दुनिया में पहले सामने आ रही है, हिंदुस्तान में आ रही है, लेकिन मोदी बैठा हुआ है। हमारे पीएम ने भी कहा है परसों, कल हमारे मंत्री ने भी कहा है, प्राइम मिनिस्टर ने इसीलिए बात कर रही है, किसी वक्त भी वो एडवेंचर ऐसा कर सकता है वो फिर कोई तवज्जो उठाने के लिए, क्योंकि इंडिया का हमेशा से ये एक उसी धूम रही है जो करता है तवज्जो दुनिया की हटाने के लिए, मीडिया की तवज्जो उठाने के लिए वो ऐसी कोई गेम करता है, ऐसा कोई एडवेंचर करता है, इसमें पूरी दुनिया का जो तवज्जो है वो चाह रहा है उसके अपनी जो इंतहा पसंद जो उसकी पॉलिसी है और जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर ख़ासतौर पर 8-10 रियासतों में और कश्मीर में जो कर रहा है, जो जुल्म उसने रवा रखा हुआ है उससे तवज्जो हटे। तो वो अब ये जो सारा इशू है ये कश्मीर देखें, इसकी बुनियादी वजह है कश्मीर है, मसला कश्मीर ही वो पॉइंट है जिस पर क्लिंटन ने भी जिक्र किया और इस पर 65 में हमारी जंग हुई, 48 से हमारा इसका आगाज़ हुआ, मसले का हल आज तक ना निकल सका और अब अपने तई वो इस मसले को हल कर चुके हैं, जो ताकतें हैं आलमी ताकतें वो भी इस मसले को अपने तई हल कर चुकी हैं और मसला यही है फिलहाल उनके उन्होंने जो हमें नज़र आता है इसके पीछे कहते हैं ना हिडन जो कुछ पॉलिसीज़ होती हैं कि वो उनका जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है जो इस इंडिया के पास है उनके पास है, हमारे पास आज़ाद कश्मीर है। तो लेकिन इस पर चाइना का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें जब बल्तिस्तान हमारा जो बना उसका वो भी चीज़ देखनी है, यूएनओ का इसमें रोल है जो आपको कोई नज़र नहीं आ रहा, ओआईसी का रोल हमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा और वहाँ क्या हुआ है, कितने दिन गुजर गए हैं, 3 माह तक गुजर गए हैं लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ ब्लैकआउट है, वहाँ बर्बरियत और जुल्म का बाजार गर्म है, पूरी दुनिया यानी आप हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस को अपना रोल प्ले करना चाहिए, यूएनओ ने क्या रोल प्ले करा है, आप जो मुस्लिम जो उम्मा का कॉन्सेप्ट बार बार कहते हैं, मुस्लिम उम्मा ने कौन सा रोल प्ले किया, मैं अपने लेक्चर्स में करता हूँ तो मुस्लिम उम्मा नसीम एजाजी के नावलों के साथ उसी में थी और नसीम एजाजी साहब की वफात के साथ उनकी कब्र में दफन हो चुकी है। मुस्लिम उम्मा कहीं भी अब कोई हिस्ट्री उठा कर देखें, आप बगदाद जब तबाह हुआ, इलाकों में तबाह किया, खलीफत मुस्लिमीन को अमीरुल मोमिनीन को जब हादसे के लिए बुलाया गया उनकी लाश को, उसके बाद जलालुद्दीन ख्वारज़्म शाह के साथ क्या किया, सुल्तान अल्तुतमिश ने जब यहाँ आए उसने कहा हमने अपने आप को बचाना, उसके बाद आप देखें दिल्ली में क्या हुआ, उसके बाद आप बोस्निया अभी देखने हैं अर्मेनिया में क्या हुआ, चेचनिया में क्या हुआ, बर्मा में क्या हुआ, तो कहाँ है मुस्लिम उम्मा, कश्मीर में क्या हो रहा है कहाँ है मुस्लिम उम्मा, फलस्तीन में क्या हो रहा है कहाँ है मुस्लिम उम्मा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुसलमान एक जिस्म की मानी है, एक हिस्से को तकलीफ पहुँचती है तो पूरा जिस्म महसूस करता है, अगर हम वाकई इस पर अमल करते होते हमें गुस्से का एहसास होता तो हम सोच ना बैठे, जिसमें देखें पूरी दुनिया में मुसलमानों से क्या हो रहा है, इससे मुसलमानों की अपनी कोताही नहीं आया, यहाँ भी कोई नहीं आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।